अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, अल्लाह ताला दी रहमत करम फजल तो बाद आज दी वीडियो शुरू कर दें जी। तो खवातीन हज़रात, तुहानू जिस तरह पता है कि जी पिछले एक महीने तो पाकिस्तान रेलवे की हर तरह की ट्रेन सर्विस बंद आ, पसेंजर ट्रेन सर्विस हो या फ्रेट। खवातीन हज़रात, इस वीडियो तुम देखोगे पाकिस्तान रेलवे को इस सैलाब की वजह तो जो पाकिस्तान की ट्रेन का सब तो व्डा सैलाब है, जिसे 70% तो ज़्यादा पाकिस्तानी रकबा जो इस टाइम पानी के डुबिया हुआ, तो रेलवे को कितना नुकसान होया, ट्रैक की की हालत आ, किस तरह पुल टुटे हुए आ। पाकिस्तान रेलवे इस सैलाब तो इस तबाही तो बाहर किस तरह निकल रहा, इमदादी काम की सरगर्मियाँ किस तरह कर रहा, वो तुम सारा कुछ इस वीडियो दिखावांगे। सब तो पहले तो मेन लाइन की ताज़ा सूरत हाल देख लो कि हजे तक पानी जोड़ा इतने नीचे नहीं उतर रहा, बल्कि दो दिन तो फिर बारिशों का एक नवा सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह तो हम फिर आही और पानी के आने का खतरा वा रेलवे ट्रैक पर। तो आ देखो जरा ML2 है जी, इतने हजे तक इस लाइन का की हाल हो, जगह जगह तो लाइन इस तरह टोटली खराब हो गई है, कोई यदा पुरसाने हाल नहीं है। मतलब रेलवे ने 75 साल अपने आप को इन्ना को भी ठीक नहीं किया हो, अल्लाह की कोई मतलब रेलवे ने 75 साल अपने आप को इन्ना भी ठीक नहीं किया कि कोई आफत आए तो उन्होंने वो किस तरह निमटना है। दूसरे मुल्क एडिया एडिया वड्डिया आफत आ जाए, जलजले, सैलाब, तूफान, टोरनेटो आ जाते उ अमरीका वगैरह के कैनेडा, लेकिन उन्होंने रेल सिस्टम जोड़ा वा ज़्यादा देर बंद नहीं रहा, वो फिर अपने पैरों पर जल्दी तो जल्दी खड़े हो जाते। तुसी ट्रैक देखो किस तरह पानी के नाल भरया हुआ, मतलब असी ये तो की वास्ते किया वा, रेलवे ने कुछ भी नहीं। रोहड़ी तक हर तरह की ट्रेन सर्विस चल सकती है, मगर रेलवे ने रोहड़ी तक भी कोई ट्रेन सर्विस नहीं चलाई सिवाय दो ट्रेनों तो। एक जी है जी दो डाउन खैबर मेल एक्सप्रैस है, तो दूसरी जी हैगी है जी वह हैगी रहमान बाबा एक्सप्रैस। इस तो अलावा होर रेलवे ने कुछ नहीं चलाया, तो उन्हें तुसी खुद देखो कि आ हालत आ, कभी पाकिस्तान रेलवे इस तरह की मुसीबत विच नहीं फसया, कभी भी फस्ट टाइम इस तरह होया, तो उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। मतलब तुसी दूर दूर तक देखो तो तुहानू इस तरह लगेगा किसी समुद्र या किसी दरिया के विच लाइन जा रही है या उसके विचों निकल रही है, क्योंकि सदियां पुरानी लाइन आ, तो अचानक दरिया नीचे होया तो थल्ले निकल रही लाइन, इस तरह की कंडीशन तुहानू लग रही है। इतने की असी कमेंट कर सकते हैं, असी कुछ भी नहीं कर सकते। या तो रेलवे के आला अफसरान चाहिए ना कि वो इतने किस तरह की कर सकते। दूसरा, इस तरह के सैलाबी पानी के ट्रेन चलाओगे तो ट्रेन चलाने वाले कितनी मुश्किल होगी, खुदा नखास्ता कोई हादसा भी हो सकता। 4-4 फुट पानी खड़ा इतने, उस 4 फुट के पानी के जो लोड इंजन लैके जाओगे तो ना ही साढ़े ट्रैक कोई इन्ने हाई स्टैंडर्ड के है, तो ना ही साढ़े कोई लोकोमोटिव इस तरह के कि इन चीज़ों बर्दाश्त कर सकन। ठीक है जी, तो आ देखो जी आ पाकिस्तान रेलवे का मतलब एक सैलाबी पानी के एड्डी लोड ट्रेन लैके जा रहे हैं, आ हादसे आ जोड़े मतवात्र के नाल हो रहे हैं पाकिस्तान रेलवे। एक थल्यों इन्ना लोड सगा क्रेन का, थल्यों बैल्ट ही निकल गई, सारी मिट्टी खत्म ही हो गई, सारे क्रेन सैलाबी पर है तक इतने बही है क्रेन, तो तुम आ देख सकते हैं जोड़े हादसे है, लाइन ही थले खत्म हो गई है ML2 की। आ देखो जरा यार, मैं तुम्हें वो चीज़ा दिखा रहे हैं जी पाकिस्तान रेलवे को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, व्डे व्डे टुकड़े टुट के आ गए, लोग अपनी मदद आप बिदाय चुक रहे। देखो जरा इन्होंने हजे तक उतों हिलाने की कुछ भी नहीं की इन्होंने, रेलवे ने पूरे तो पूरे मतलब कोई मशीनरी कुछ भी नहीं हैगी, अब पुल इस तरह गिर गए हैं तुहाडे सामने। तो हुण मैं तुहानू जिहड़ी चीज़ दिखाने लगा, देखो कि रेलवे काम किदां करन रहा वा, किड्डी किस चीज़ के नाल, तुसीं देखो कि आले पत्थर हत्थां दे नाल उत्थे ले जा के सिट रहे आ, तो लोग अपनी मदद आप दे पत्थर हटा रहे आ, ए मजदूर देखो कल्ला कल्ला मजदूर एक एक पत्थर ले जा के उत्थे सिट रहे आ। मतलब साढ़े को 75 साल कोई इस तरह की मशीनरी, इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि असं उस चीज़ तो निकल सकी बाहर।
ਠੀਕ ਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ।